खान बाबा सजिया हाउस लोकेशन है ये मजदूर पुली। टाइमिंग हमारी है 4 बजे से रात 2:30 बजे। और कितनी सजी निकलती है डेली? 40-42 इतनी निकल जाए डेली की सजी निकलती है। निकलती है। और चावल आपके कितने बनते हैं? 10-12 किलो बनते हैं। 10-12 किलो इतनी सजी के साथ जाते हैं। सामी व्यूअर्स कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। नाम है इनका खान बाबा सजी हाउस। इनकी लोकेशन है मजदूर कुली पे। शॉप के अंदर खड़ा हूँ, बाहर बैठने का सामना है, अंदर बैठने का सामना है, मैं अंदर बैठ खाऊंगा। अभी जल्दी से जाते हैं सजी लगवाते हैं। और क्वार्टर भी मिलती है, हाफ भी मिलती है और फुल मिलती है। तो क्वार्टर और इन सारे की प्राइसेस वो भाई आपको खुद ही बताएंगे जिसके ऑनर है। आप लोगों को इनका एक रिव्यू देते हैं कि इनके एक्चुअल में सजी का टेस्ट है कैसा। तो चले चलते हैं। Coming out of the gate, I'll be last place, that's all right, I don't work at a fast pace, I'm a steady horse creeping up straight passing, and once I pass you, no one's getting past me, I see people hit walls and they stop there, I don't get that mind, man, it sounds scared, good things take time, better prepare, cause anything great takes pain, it's a fair. ये पुलाव दे रहे हैं, मैंने मोस्टली कहा था जहाँ सजी खाई है वो पुलाव नहीं देते, और इसके साथ ना सजी के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं मीठे मीठे से चावल, अच्छी तरह कुक्ड है, और मसाले वगैरह जो इनका स्पेशल मसाला है सब्जी के अंदर जो एक्चुअल टेस्ट होता है इनके मसाले का होता है। मैंने एक्स्ट्रा मसाला इसलिए मंगवाया ताकि मज़ा आए और चस पूरी कराए। इनके जो राइस हैं बहुत प्लेन, पुलाव का नाम दिया है लेकिन इतने प्लेन राइस हैं कि बिल्कुल माइल्ड सा टेस्ट दे रहे हैं, कोई इसके अंदर से मुझे कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं आ रहा। चावल लंबा लंबा डाला हुआ है, खुशबूदार चावल है। अदर थिंग इसके चावल के अंदर मुझे ड्राइनेस ज़्यादा फील हो रहा है, ऑयलनेस वगैरह फील नहीं हो रहा, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि सब्जी के साथ मज़ेक लग रहा है। मोस्टली लोगों को ना ऊपर वाली स्किन पसंद नहीं आती लेकिन इन्होंने जो ऊपर वाली स्किन को इतना कुरकुरा इतना क्रिस्पी बना दिया कि आपको पता नहीं लगेगा वो स्किन है या वो बोटी है। अगर आप लोग फुल क्लासिक टेस्ट लेना चाहते हैं पहली बाइट के अंदर मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा डलवाने या उनसे मंगवा लेना, वो आपको थोड़े से इसके अंदर दे देंगे डाल के, वो डाल लें, रायता का यूज़ नहीं करना फर्स्ट बाइट में, और टेस्ट लेना है आप लोगों को चस्त आ जाएगी, इतना कोई क्लासिक टेस्ट नहीं करेगा। मेरे मानने के मुताबिक सजी खाने का असली मज़ा है ना हाथ से है, चम्मच समझ से खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्यों वैसे देखा कि जैसे नॉर्मल चावल खा रहे हैं, हाथ से खाएंगे जो एफर्ट लगेगी जो टेस्ट निकलेगा वो क्लासिक होगा। नॉर्मल स्पाइस खाने वाले हैं तब भी आप लोगों के लिए जगह बड़ी रिकमेंडेड रहेगी, और अगर आप हाई स्पाइस खाने वाले हैं तो एक्स्ट्रा स्पाइस ऊपर डालें, और सजी ऐसा शाहीबाग में इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होती। रहने का जो इनका सेटअप है अंदर के लिए सही है, मतलब फैमिली वाइज मुझे इतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा, लेकिन आप घर में ले जा सकते हैं। मोस्टली लोग इनका पैकअप वगैरह करवाते हैं, 22 लोग बैठे हुए हैं वो खा सकते हैं, लड़के और मर्द साथ वगैरह के लिए तो कोई मसला है ही नहीं है। हाँ अदरवाइज आप गाड़ी शाड़ी में आ रहे हैं तो आपके आगे बैठ के गाड़ी बैठे बैठे खा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है तो लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाला डलवाना है ताकि आपको फीका बनना है, क्योंकि ये चीज़ मसाला डालने से इसके अंदर जो स्पाइस और एक अच्छी एक टेस्ट निकल रहा है ना वो मसाला एक्स्ट्रा डालने से निकल रहा है मेरे लिहाज से। अगर आप लोग माइल्ड टेस्ट करना चाहते हैं तो माइल्ड खाएँ, क्रंचीनेस ली है, गोटी ली है, ऊपर मसाला डाला है अच्छा खासा, क्योंकि मसाला मुझे बहुत पसंद आ रहा है इनका। राइस लगाएंगे फुल बाइट, बाइट ज़रा बड़ी है मुँह छोटा है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि फुल चस लेने के लिए ये एफर्ट करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाह। मजदूर पुली में बलोच मिलक पॉइंट के बिल्कुल सामने, चौक से थोड़ा सा आगे आएंगे बलोच मिलक पॉइंट उसके बिल्कुल सामने आपको प्लेट से देते हैं फुल सजी 1200 की देते हैं, 7-2 प्लेट राइस, 2 रायते, 1 पूरी सजी देते हैं, जो हाफ है वो 650 की देते हैं, 7-1 प्लेट चावल, 1 रायता, हाफ सजी देते हैं। क्वार्टर हमारा होता है 400 का, उसमें 1 प्लेट चावल है, रायता है और सब्जी है हाफ। अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मस्त है। मैं हर दफा बताता हूँ कि नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको पंच करना आपके ऊपर लाजम हो गया, आपके ऊपर फर्ज हो गया। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I wanna be legendary.